जॉब करते हो कहां पर? पाकिस्तान, पोस्ट ऑफिस, है ना, फाइनेंस के अंदर। फिर डिलीवरी ब्रांच है, नाइस। पुराने लेक्चर्स देखें, साइंस साइंस बैकग्राउंड, फिर सही है। वालेकुम सलाम साजिद भाई। एथेम, स्क्रीन दिख रही है ऑनलाइन वालों? कंफर्म कर दो। वालेकुम सलाम मेरा बाप। सर ARTC, कल सर हमने क्लास में कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा था कोई बताएगा? अकाउंटिंग सर, अकाउंटिंग इक्वेशन कहूं या मैं इन शॉर्ट ये कह दूं कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सर एक ही है, ये दिखाना यूजर्स को, किसको? यूजर से नया वर्ड दिखा दिया आपने, स्टेक होल्डर और यूजर एक ही बात है। स्टेक होल्डर कौन होता है? द वन इंटरेस्टेड इन द हिसाब किताब ऑफ योर कंपनी। मैं यूजर कहूं या मैं स्टेक होल्डर कहूं, बात क्या है? एक ही है। तो सर सारी अकाउंटिंग होती है यूजर को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि असासे बराबर है किसके, लाइबिलिटीज और कैपिटल के। ये आपके पास क्या है? एक ऑब्जेक्टिव समझ लो, क्या समझ लो? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता ठीक है? नहीं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ओनर्स वेल्थ। क्या होता है? टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ। अब सर वो ओनर्स की वेल्थ कैसे बढ़ सकती है दूसरे बिजनेस को एक्वायर करके? तो पता है कंपनी के बच्चे भी होते हैं, पता है, कंपनी की बहन भी होती है। अब आई एम सीरियस यार, सिस्टर कंपनी कहलाती है, कभी सुना सिस्टर कंपनी का नाम? वह कंपनी खुश है, हर चीज है, बीवी नहीं है बस, सही है। कैसे सर? बताते हैं सर, ये इसकी फैमिली कैसे बनती है, कंपनी की फैमिली कैसे बनती है। मिसाल के तौर पे ये दो कौन थे, बिलाल और राफे। तो जब बिलाल और राफे इन्होंने कंपनी खोली थी, लेट्स सपोज, सही है, इनकी कंपनी चल रही थी। अब सर इनके पास पैसा बहुत था, तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ उस्मान, इनका पैसा बहुत था। इन्होंने क्या करा, एक रिजवान नाम की कंपनी चल रही थी, क्या चल रही थी? रिजवान कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स क्या कर लिए? एक्वायर कर लिए। क्या कर लिए? 50% ज्यादा शेयर्स क्या कर लिए? एक्वायर कर लिए। तो रिजवान क्या बन गया? सब्सिडरी। क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई। मतलब बेटा बन गया किसका? इस कंपनी का, या बच्चा बन गया? मतलब सर जो भी काम करवाना होगा ये दोनों इससे करवा सकते हैं। क्यों सर? कोई भी काम करवाने के लिए क्या होगा? कोई भी काम करवाने के लिए क्या होगा? मीटिंग होगी, बेहतरीन। मीटिंग में क्या होगा? कोई रेजोल्यूशन रखा जाएगा, रेजोल्यूशन मतलब कोई एजेंडा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? एजेंडा। एजेंडा के ऊपर क्या होगा? लोगों की वोटिंग ली जाएगी, सारे लोग एक तरफ, ये लोग कहेंगे ये होना है, तो क्या हो जाएगा? होगा, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन होंगे? ये। तो फिर हम कहेंगे रिजवान कंपनी किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? बिलाल और बीआर कंपनी की कंट्रोल में है, तो एसेट बन जाएगा किसका? तो रिजवान कंपनी क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा किसका? बीआर कंपनी का, क्योंकि 50% ज्यादा शेयर एक्वायर करके इनके पास क्या आ गई है? उसका कंट्रोल आ गया है। क्या आ गया है? कंट्रोल आ गया है। क्लियर है? अब सर सुनना, बीआर के अपना रिजवान के पास भी पैसा है। रिजवान ने मरियम ब्यूटी पार्लर के शेयर्स खरीद लिए। अब सर लेट्स सपोज वो भी 50% ज्यादा, क्या होना चाहिए? 50.01 पर। अगर 50% होगा ना तो होता भाई वो दूसरी पार्टी 50% खड़ी हुई है, तो कोई फैसला वो क्या हो जाएगा? एजेंडा क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें कोई बहस नहीं होगी। अब सर इन्होंने मरियम ब्यूटी पार्लर के क्या खरीद लिए? 50.1% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। अब गौर सुनना जो मैं कह रहा हूं, बिलाल और राफे चाहते हैं कि मरियम ब्यूटी पार्लर का जो कस्टमर का जो ब्यूरो है, जितना सारा कस्टमर इनके पास कस्टमर लिस्ट है, तो वो सिर्फ मेकअप ना बेचें,
वो ब्राइडल ड्रेसेस भी बेचे, चाह कौन रहा है? बीआर कंपनी। क्या चाह रही है? क्या बीआर कंपनी मरियम ब्यूटी पार्लर से काम करवा सकती है? हाँ, क्या दादा अब्बू आपके लिए कोई फैसला घर पे नहीं सुना सकते? हाँ, क्या दादा अब्बू घर पे आपके लिए कोई फैसला नहीं सुना सकते? क्या करेंगे बेटा? आपके अब्बा को बोलेंगे, जरा इसको बोल इस टाइम पे घर आने की जरूरत नहीं है, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। पोता नहीं सुन रहा तो क्या कर देंगे? पोता नहीं सुन रहा तो क्या कर देंगे? जो मैनेजमेंट उधर चल रही है उसको ही जायदाद से आग कर देंगे, रात रात क्या करेंगे, उसकी मैनेजमेंट चेंज करवा देंगे। कैसे? रिजवान जाके बोल, क्या कर, डायरेक्टर को किसको बोलेंगे? डायरेक्टर को। डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया था ना मैंने, डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। कंपनी रन कौन करता है? शेयर होल्डर्स रन नहीं करते, शेयर होल्डर्स अलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं शेयर होल्डर्स? क्या करते हैं? इलेक्शन होता है, उसके अंदर कहते हैं भाई हम चाहते हैं हमारे ब्याह पे कंपनी ये लोग क्या करें, रन करें। और इनको इलेक्शन के में खड़ा होने के लिए भी जरूर क्या है कि खुद भी क्या हो, शेयर होल्डर हो, ताकि कंपनी को इस तरह चलाए जैसे ही अपनी इनका खुद का बिजनेस है, ताकि अगर 100 रुपए कमाएंगे तो 10-12 रुपए अपने लिए कमाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट भी रहेगा। अगर ये बिला वजह के खर्चे करे जा रहे हैं, मतलब कंपनी नुकसान में जाए जा रही है, मलेशिया का टूर लगा रहे हैं, फैमिली के टूर पे जा रहे हैं, बोनसेस ले रहे हैं, अपनी गाड़ियां अपग्रेड कर रहे हैं, क्या ये वायबल रहेगा? ओके, नुकसान कंपनी को करो, इनको भी होगा। अब सर अगर मरियम कंपनी के डायरेक्टर्स ने बात मान ली रिजवान की, तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? रिजवान कंपनी कहेगी मुझे इलेक्शन चाहिए, वापस से क्या करो, इलेक्शन करो डायरेक्टर्स के, क्या करो, इलेक्शन आएगा 50% ज्यादा ये वोट उनके पास राइट होगा इलेक्शन के पास, तो ये क्या करेंगे, अपने मर्जी के डायरेक्टर्स खड़े करेंगे और उन्हीं को क्या करेंगे, वोट देंगे, ताकि वो क्या करें, उनकी सुने। गवर्नमेंट में भी तो कुछ ऐसा ही होता है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है, हर डिपार्टमेंट दारे की जो अपर लेयर होती है वो चेंज की जाती है। हाँ, उनकी पार्टी का बंदा आता है, क्यों? ताकि जो वो कहे वो वही करे, ना ही के सामने से क्या करे, बहस करे। बात समझ आ गई? तो सर ये कहलाएगी क्या, पेरेंट कंपनी। क्या कहलाएगी? ओमनी ग्रुप का नाम सुना है सर? तब्बा ग्रुप का नाम सुना है सर? तब्बा ग्रुप की 16 बच्चे हैं उसके, कितने, मतलब तब्बा ग्रुप ऊपर बैठा हुआ है जिसको वाईबी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनुस ब्रदर्स। क्या नाम है उसका? वाईबी। लकी सीमेंट यूनुस ब्रदर्स की है, लकी वन मॉल यूनुस ब्रदर्स का है, तब्बा हार्ड इंस्टीट्यूट यूनुस ब्रदर्स का है, गदून टेक्सटाइल मिल्स यूनुस ब्रदर्स का है, किडनी का है, ट्रॉमा का सेंटर वगैरह वो भी किसका है, वाईबी वालों का है। सर 16 कंपनीज उनके अंडर है, कितनी है, वो ऊपर बैठे हुए दादा अबू की तरह अपने 16 बच्चे क्या कर दिए, छोड़ दिए, और 16 बच्चे क्या कर रहे हैं, बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? सर उसमें से 16 बच्चे नहीं है, 16 बच्चे हैं पोते पोतियां भी, सही है? वो ऊपर क्या बने हुए, टॉप पे बने हुए, और सर वो क्या कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मरियम कंपनी ने लेट सपोज आयशा कंपनी को क्या कर लिया, उनके भी 50% ज्यादा शेयर्स क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। अब क्या बीआर कंपनी आयशा कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है? डायरेक्टली नहीं कर सकती, बट थ्रू कहां करेगी, मरियम कंपनी के। मगर सर मरियम कंपनी पे तो कंट्रोल है ही नहीं, तो ये क्या कहेंगी, रिजवान मरियम कंपनी को कहो, मरियम कंपनी पे क्या कहेगी, आयशा कंपनी को कहेगी कि भाई तुम ये बिजनेस कर रहे हो ये हटाओ और ये वाला काम करो। क्लियर हो गया? मगर बिजनेस सर ऐसे रातों रात पेरेंट लिखने पे चेंज नहीं हो सकता। होगा तो वही, होगा तो वही। मिसाल के तौर पे सर आयशा कंपनी काम कर रही है अबाया सर, किसका काम कर रही है, अबाया का बिजनेस है इनका। इनको कहा नहीं आप जूते बनाओ, क्या बनाओ? अब सर मान लिया कि मरियम कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर था, मान लिया मरियम कंपनी के पास क्या है सर, बाकी भी तो कोई 49% लोग मार्केट में बैठे हुए ना, क्या उनकी नॉलेज में लैब वगैरह इतना बड़ा काम कर लोगे? नहीं सर, एससीसीपी कहो भाई
ठीक है 15,000 ज्यादा शेयर्स बंद रख लिए तुमने, बट दूसरों का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। तो एक काम करते हैं, एक मीटिंग बुलवाओ, क्या बुलवाओ, मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, क्या करवाओ, रेजोल्यूशन मतलब स्पेशल एजेंडा वगैरह टाइप का। स्पेशल एजेंडा क्या होगा, पास होगा, वो स्पेशल एजेंडा जो पास होगा वो जाएगा किसके पास, एससीसीबी के पास, फिर आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। क्यों चेंज होना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई आयशा कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसको पता हो कि आयशा कंपनी नो मोर डील्स इन अबायाज, नाउ दिस कंपनी इज डीलिंग इन शूज, ताकि बंदा ये सोचकर आके इन्वेस्टमेंट ना कर दे कि अबाया का बिजनेस है। सही है भाई, मिसाल आज मैं तुमसे कहूँ एलएनजी के अंदर एलएनजी का एक कंपनी आती है, कहती है हम एलएनजी जो है वो उसको बनाएंगे और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करो, आप करोगे? हाँ, आपके कंपनी खुलती है, वो कहती है हम सीएनजी का क्या करेंगे, हमारा प्लांट होगा सीएनजी के ऊपर चलेगा, किसे चलेगा, हम गाड़ी बना रहे, कंपनी आई कहता है हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, वो सीएनजी पे चलेगी, किसे चलेगी, सीएनजी पे चलेगी, क्या सर वो वाली कंपनी में तुम लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, क्यों नहीं करोगे, तू करेगा, कहाँ कॉल करेगा, रीजन बता दो क्यों नहीं करोगे, वापस बोल। एग्जैक्टली सर, जिस मुल्क में तुम वो इंडस्ट्री लगा रहे हो उस मुल्क में सीएनजी नहीं है तो उन गाड़ियों में सीएनजी डलवाने के लिए कहां से लाओगे यार। अब मिसाल हो गई सर, सोलर पैनल की फैक्ट्री खोल ली हमने नॉर्वे के अंदर, कहां खोल ली, नॉर्वे में सोलर पैनल की कंपनी खोल ली और लोगों का आओ सोलर पैनल की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, क्या लोग करेंगे, लोग कहेंगे सर यहाँ पे महीने में एक दिन धूप पड़ जाए तो बड़ी बात होती है, यहाँ पे तो धूप होती ही नहीं है, बस शाम ही शाम चल रही होती है, फिर रात और शाम यही चल रहा होता है, तो वहां पे कोई करेगा ऐसा, नहीं करेगा। तो सर ये सब बंदों को कहां से चलेगा, कंपनी काम क्या करती है, सर ये पता चलता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन से, मेमोरेंडम चलता काम क्या करती है, और जो मैं तुम्हें फाइनेंशियल दिखाऊंगा ना, क्या दिखाऊंगा, उन फाइनेंशियल में लिखा हुआ होता है नोट्स के अंदर कि कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। आपको पता है हैबिट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, हैबिट वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो वो नॉर्मली काम करता है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके बेचना, लकी सीमेंट का, गुल अहमद का, ये आपकी सोच है, गुल अहमद एनर्जी भी है, गुल अहमद विंडमिल्स भी है, पता है आपको, गुल अहमद के तीन चार काम और गुल अहमद का खाली काम, क्योंकि सर हमने आज तक क्या किया है, कपड़े की हद तक देखा है, हमें जरूरत थी कपड़ों की तो हम जब भी कपड़े खरीद जाते थे हम गुल अहमद को क्या करते थे, प्रेफर करते थे, बट सर वो क्या करता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, बिजली प्रोड्यूस करता है, और किसको बेचता है, नेपरा को, किसको बेचता है, आपको ये बात पता है ना कि अगर आपने अपने घर की छत पे सोलर पैनल का सिस्टम लगा भी लिया और जो बिजली एक्स्ट्रा आपको प्रोड्यूस होगी वो आप बेच सकते हो, तो पता है आपको, हाँ सीरियसली भैया, थोड़ा सा इन चीजों के बारे में, हाँ तो खैर होगा। सर आपने घर में छत पे सोलर पैनल लगाया, आपने 25 kV का सोलर पैनल लगाया, पता है सोलर पैनल क्या होता है, वो लाल कलर की एक डिस्क होती है जिससे क्या होता है बिजली पैदा होती है, पता है ना, और साथ में एक बैटरी होती है वो एनर्जी कंज्यूम करती है। अब केवी का भी पता होगा, किलोवाट्स, जितना ज्यादा किलोवाट होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब सर मेरे घर की खपत है लेट्स सपोज 11 किलोवाट, 14 किलोवाट का क्या करें, हाँ जो स्ट्रिंग के एड वाले उनको देने चलो पकड़ो और जाके गाड़ियों को स्टार्ट करो ना सर, नहीं ना क्या करेंगे, हाँ अच्छा भेज देंगे, किसको भेज सकते हैं, पड़ोसी को दे सकते हैं कि पड़ोसी कनेक्शन ले लो, तो क्या करेंगे, हाँ पड़ोसी को ही देंगे, नेपरा बेटा एक इदारा है सर, आप नेपरा से कांटेक्ट करके इसको के इलेक्ट्रिक को बेचोगे, के इलेक्ट्रिक की जो तारों की लाइन जा रही है आप उसके अंदर क्या करोगे, कनेक्शन देके बिजली क्या कर दोगे, उधर ट्रांसमिट कर दोगे, क्योंकि आप ये बिजनेस कर नहीं सकते, आपको अलाओ ये बिजनेस के लिए जो ऊपर बैठा हुआ है ना नेपरा, तो पहले ही बता रहे हैं कौन कौन लोग हैस्को कर सकता है, ये हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन,
इलेक्ट्रिक कर सकता है, पंजाब साइड पे बहुत सारे ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन ट्रांसमिशन करते हैं, क्या करते हैं, जो नेपरा प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक वाला खाली बिजली की ट्रांसमिशन करता है, ये पता है ना, क्या करता है, बिजली की ट्रांसमिशन करता है, एसएसजीसी और एसएनजीसी, एसएसजीसी पता है ना, क्या एसएसजीसी, सुई सदर्न गैस कंपनी ऑफ, और कंपनी ऑफ, यहाँ कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड पूरा लिखा हुआ है, सुई सदर्न गैस कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, सर एसएसजीसी का काम है खाली गैस को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, वो क्या करता है, सुई गैसों से क्या क्या हुआ है, पाइप के थ्रू क्या किए हुए अपने कनेक्शन लिए हुए और कनेक्शन लगाए हुए, और क्या क्या हुआ पूरे मुल्क के अंदर, क्या क्या हुआ उसको स्प्रेड किया हुआ, क्लियर हो गया, यस सर। अब सर, तो सर पेरेंट समझ गए, अच्छा सर, अब मैंने सिस्टर कंपनी की बात की थी। अब सर मैं कहूं तो बीआर कहलाता है अल्टीमेट पेरेंट, क्या कहलाता है, नीचे जितनी भी कंपनी होगी उसका अल्टीमेट पेरेंट, हाल था बेटा किधर है यार, ये गर्मी बहुत हो रही है यार, एसी का रिमोट भी लेता हूं यार, ये एसी खुला हुआ है, बोले एसी खुला हुआ है, उससे पहले कितनी क्लास थी किसकी, सर अब सुनना, बीआर क्या कहलाएगा, बीआर कंपनी क्या कहलाएगी, अल्टीमेट पेरेंट, ये खाली आपकी नॉलेज के लिए चीज है, क्या है, नॉलेज के लिए, क्या कहलाएगी, अल्टीमेट पेरेंट। सर रिजवान कंपनी कहलाएगी पेरेंट कंपनी ऑफ मरियम, मरियम कंपनी कहलाएगी पेरेंट ऑफ आयशा कंपनी, सर ये सारे अगर एक ही ग्रुप के अंदर है, इसको कहते हैं ग्रुप, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या कहते हैं, ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इस तरह फॉर्म हुई है, तब्बा वाईबी ब्रदर्स का जो ग्रुप है वो इस तरह फॉर्म हुआ, आदमजी ग्रुप, सही है सर। अब क्या होगा सर, आयशा कंपनी एंड रिजवान कंपनी आपस में कोई लिंक है, आपस में कोई ना लिंक है सर, एक ही इनके बीच में कॉमन रिलेशन है, ये दोनों सब्सिडियरी है किसकी, ये दोनों सब्सिडियरी है किसकी, बीआर कंपनी की, किसकी, बीआर कंपनी की, दोनों क्या है सब्सिडियरी, तो हम कहेंगे दोनों आपस में क्या है, सिस्टर कंसर्न, क्या है, सिस्टर कंसर्न है दोनों, क्या आपस में, क्लियर है, और इसको अकाउंटिंग में कहलाया जाता है रिलेटेड पार्टी, क्या कहते हैं, रिलेटेड पार्टी, क्लियर है, आपस में लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है सर, ये बताना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, दुनिया के जो भी स्कैंडल्स हुए हैं वो ग्रुप के अंदर ही हुए हैं, क्या हुए, ग्रुप के अंदर ही हुए, सत्यम कंप्यूटर्स का केस देख लो, हर्षद मेहता वाला भी, देखा ना बिग बुल एक मूवी आई थी, देखी थी अभिषेक बच्चन वाली, और बिग बुल मूवी देखी थी, हाँ कुछ केसेस बताऊंगा वो आप क्या करना, उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना, अभी नहीं जब बताऊंगा ताकि तुम्हें क्या हो वो समझ आए कि किस तरह, हर्षद मेहता का वो केस है जिसकी वजह से सिटी बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वहां पर उनका गवर्नमेंट ओन बैंक है, कौन सा, सिटी बैंक ऑफ, वो बंद हो गया था, कोलैप्स हो गया, क्या हो गया, हर्षद मेहता ने ऐसा गेम चलाया था, ऐसा गेम चलाया था, ऐसी दो नंबरी थी के लोन देते गए, क्या करते गए, सिटी बैंक लोन देता गया, और बाद में आगे पता चला कि पूरी कंपनी ही क्या है साले, तो ये पढ़ना नहीं था, कोकर 17 पे भाई है, हाँ देख यार ये क्या मसला है, थोड़ी देर मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, दोपहर आया हुआ इसको देख बेटा, ये कूलिंग कर रहा नहीं कर रहा,
क्लासेस लगाने के लिए कौन आज गौर है? तो कुछ ऑडी टू खाली है क्या? ऑडी टू क्लासेस तो यहाँ पे पूछ, अगर नहीं है तो बोला वहां शिफ्ट करो यार। सर एक केस था एनरॉन का, किसका केस था? एनरॉन बेसिकली दो कंपनी का आपस में मर्जर हुआ था, क्या हुआ था ये बता रहा हूँ, 1990s की कहानी। किसकी? एनरॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, $60 बिलियन, कितनी? $60 अरब की क्या थी? कंपनी थी। एनरॉन का स्कैंडल, दुनिया के जब भी बड़े स्कैंडलों का नाम लिया जाता है उसमें एनरॉन को कभी भी कोई भूल, जैसे कोई कहेगा ना भाई कोई क्या कहते हैं बहरी जहाज का कोई हादसे की बात हो तो सबके दिमाग में एक नाम तो जरूर आएगा, वो कौन सा होगा? टाइटैनिक। इस तरह जब भी आएगा ना कि यार ऑडिटर्स की तरफ से कोई भंड हुआ था तो उसका किसका नाम आएगा? एनरॉन का आएगा। सर आज दुनिया में बिग फोर का नाम सुन रहे हो ना, दुनिया में पहले बिग फाइव थी, क्या थी? और बिग फाइव में जो सबसे टॉप पे कंपनी थी वो थी आर्थर एंडरसन। कौन सी थी? आर्थर एंडरसन। पता है सर वो एनरॉन से कितनी ऑडिट फी चार्ज करती थी? कितनी होगी सोचो, अबे ओए कंपनी है क्या, बिलियन थोड़ी है, मतलब हल्का जाओ भाई। अच्छा ऐसे ही मिसाल देता हूँ ना, आपके SSBC की ऑडिट फी होगी ₹35 लाख, उससे आइडिया लगा लेना। आपके HBL की होगी कोई ₹2 करोड़ या करीब, सही है। और जो नॉर्मल कंपनीज होती है उनकी ₹10-15 लाख होती है ऑडिट फी, सही है। अब आइडिया लगा लो कितनी इसने एनरॉन की ऑडिट फी क्या होगी? ₹5 करोड़ हर हफ्ते के $1 मिलियन थे पर वीक, क्या थे? $52 मिलियन, $5 करोड़ $20 लाख पूरे साल की क्या थी? ऑडिट फी। और एक स्कैंडल जब उसका CFO चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ? वो बबल फटा के अंदर कर क्या रहे हैं आज नेटफ्लिक्स देखते हो, ये सोच एनरॉन की थी। किसकी थी? ये जो मल्टीमीडिया क्या तुम देख रहे हो, ये प्रोजेक्टर्स वगैरह देख रहे हो, सारी चीजें। सर एनरॉन बेसिकली उसका था एनर्जी सेक्टर का काम, किसका काम था? एनर्जी सेक्टर के अंदर थी, ऑयल एंड गैस के अंदर थी। तो उन्होंने क्या किया समझो, समझ में तुम्हें आएगा नहीं यार, बस समझ लेना, कोई एक चीज बिकी नहीं थी, कोई चीज बिकी नहीं थी, खाली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, क्या हो रहे थे? और उसको दिखा दिया कि ये हमारी क्या है, आमदनी है, क्या दिखा दिया? जबकि वो आमदनी आपकी बनी नहीं थी, वो खाली क्या हो रहे थे, एक पेपर पे खाली साइन लिए जा रहे थे। जबकि मिसाल के तौर पे यही मिसाल ले लो, आपने कह दिया चांद पे घर बेच रहा हूँ, आपने कंपनी खोल ली, लोग आके खरीद भी रहे हैं, आके साइन भी कर रहे हैं, कोई पैसा दे, बस दे रहे हैं, कहाँ भाई आपसे चांद पे घर लेंगे, ठीक है बुकिंग कर दो हमारी, क्या कर दो? उन्होंने कहा अच्छा बुकिंग कर दो 50 लाख का, ये गया आया, बुकिंग कर दो 80 लाख का, ये गया। लोगों को क्या दिखा दिया कि कंपनी ने क्या कर लिया, 1 करोड़ 30 लाख के घर बेच दिए, जबकि कोई पैसा आया, घर बना हुआ, घर उनके कंट्रोल में नहीं था तो बेच कैसे सकते हैं? ऐसा या नहीं है? बेचने के लिए पहले क्या है जरूरी है कि क्या हो, कंट्रोल में हो, एसेट हो। कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, घर है ही नहीं तो बेचोगे क्या? सही है ना सर? तो उन्होंने कोई इस तरह का, कोई इस तरह का क्या किया था, एक मंजन बेचा था मार्केट में। और जब मंजन मार्केट में बेचा था और जिस दिन रात को ये मंजन खुला कि भाई ये मंजन के अंदर था, तो उसकी शेयर प्राइस, देखो ये लॉक है ना 7.5% का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, किसमें? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। बाहर मुल्कों में कोई लॉक? कोई लॉक नहीं है। अगले दिन सुबह जब मार्केट खुली तो $90 का शेयर था, किसका? उस जमाने में कितने का एक शेयर, कितने का था? $90 का एक शेयर था एनरॉन कंपनी का। रात को ये मार्केट में न्यूज आई, अगले दिन सुबह सोचो कितने का शेयर हो गया होगा, 50 सेंट्स का हो गया था खाली ये शेयर। हाँ बाबू यार गर्मी बहुत हो रही है, किसका खोल दिया? नीचे शिफ्ट होना है, इन लोगों को गर्मी लग रही है क्या? आप लोग लड़कियों तो लगती ही नहीं है ना, किसका
यार मुझे तो नहीं हो रहा, टू बी ऑनेस्ट नहीं। या बेटा ऑनलाइन वालों 3 मिनट में क्लास रिज्यूम कर रहा हूँ, खुद उतनी है ना तो ये गर्मियों में ऐसे बाहर का काम बनाएगा।